नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि एक के बाद एक कई घोटालों में अब अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है। जहां शराब घोटाले मामले को लेकर के ईडी ने कई दफा उन्हें समन जारी किया है, तो अब नया मामला खुल चुका है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। बता दें कि दिल्ली के जल बोर्ड घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से घिर चुके हैं और ईडी ने उन्हें समन जारी किया है। बता दें कि शनिवार को ही उन्हें दिल्ली के शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली थी, जहां पर ईडी ने उनके खिलाफ समन को इग्नोर करने के मामले में शिकायत दर्ज की थी। अब वही एक बार फिर से उन पर एक नया केस खोलने की बात सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि ईडी ने जलबोट के मामले में केजरीवाल को समन भेजा है। वही शराब घोटाला मामले में उन्हें नवा समन जारी किया गया है। इसके मुताबिक केजरीवाल को गुरुवार यानी कि 21 मार्च को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं अगर बात हम दिल्ली के जल बोर्ड घोटाला मामले की करें, तो इस मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को ईडी ने तलब किया है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन जारी किया है। 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को जारी किया था। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर के ईडी पर गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के जोरदार तरीके से हमलावर नजर आ रही है। बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं। शराब नीति का जो घोटाला दिल्ली में हुआ है, उसको लेके लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और वो जिस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है जिनको जमानत नहीं मिल रही, उनके एक सांसद जेल में है जिनको जमानत नहीं मिल रही, और कल आपने देखा कि जो साउथ लोबी की जो इसमें भूमिका देखी गई है, तो उसमें की कविता को भी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। तो मुझे लगता है जांच एजेंसी बहुत सूक्ष्मता से अपनी जांच कर रही है, और जहां तक जांच को पूरी करने का सवाल है, उसमें जिन जिन लोगों से बात करनी होगी तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। आम आदमी पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोप लगाती है कि मोदी जी के गुंडे हैं सीबीआई और ईडी। मुझे हैरानी होती है कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मंत्री अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं। मुझे लगता है कि भाषा एक ऐसा वस्त्र है, अगर इसको शालीनता से ना पहना जाए तो सामने वाले व्यक्तित्व को पूरा निर्वस्त्र होने में टाइम नहीं लगता। तो ये उनको निर्णय करना है कि किस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग में लानी। मुझे हम बार बार एक ही बात कहते रहे हैं कि अगर दिल्ली में घोटाला हुआ है और एक नहीं लगातार फेरिस्त लंबी है, आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उन घोटालों में निर्वस्त्र हुआ है, सबने देखा है कि किस तरह से दिल्ली को लूटने की कोशिश की गई है। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो आप जांच से भाग क्यों रहे हैं, इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल दें। अब चुनाव भी घोषित हो गए, तो चुनाव घोषित हो गए, चुनावों का हमने स्वागत किया है। दिल्ली में छठे चरण में चुनाव है, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को जनता के बीच में लेके जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार मूलतः हमारा मुद्दा है और दिल्ली की जनता के बीच में है, और दिल्ली की जनता इस सच्चाई को स्वीकार कर रही है कि एक नहीं दो नहीं दर्जनों ऐसे घोटाले हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है। वही बात अगर हम बीजेपी नेता हरीश खुराना की करें, तो हरीश खुराना ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल और साथ ही पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा है। सुनिए हरीश खुराना क्या कह रहे हैं। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी ने ये नौवां समन भेजा है, लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं करते हैं और कानून से भाग रहे हैं। नवा समन है, उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस बार ईडी का सम्मान करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए ईडी के सामने प्रस्तुत होंगे। लेकिन हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जैसे पहले भी अपने आप को बेचारा पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते कि मैंने तो कुछ किया नहीं दीजिए, मेरे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। अगर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही होती तो आपको कल माननीय न्यायालय से भी वो नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला, और आपको कल बेल भरनी पड़ी और बेल से बाहर आना पड़ा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं ईडी को, और देश भी जवाब पूछ रहा है।
300 करोड़ का मनी ट्रेल का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। और देश भी आज सवाल पूछ रहा है कि क्या है सच्चाई। कि अरविंद जो मनीष सिसोदिया की पर्सनल सेक्रेटरी थी, उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके घर पर 5% या 12% कमीशन का जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया उनको हैंडओवर किया गया। तो इन सारे सवालों के जवाब देने हैं। भाई विजय नायर इज माय बॉय, ये आपने कहा था ना, ये तो समीर महिंद्र ने अपने स्टेटमेंट में बोला है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिसको अरविंद केजरीवाल को देने हैं, लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल कानून से भाग रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप भाग क्यों रहे हैं? इसलिए मेरा मानना यह है कि कानून का सम्मान करिए, कानून के तहत जो आपके ऊपर कहा जा रहा है उसको प्रस्तुत होकर सवालों के जवाब दीजिए। इसी कड़ी में लेट जो है तमाम दात को कुछ नहीं मिला। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है, लोकसभा चुनाव से पहले अरेस्ट करने की कोशिश है ताकि वो कैंपेन न कर। देखिए जब ये बात बोलते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि पिछले अगर आप 2 साल से कह रहे कुछ नहीं मिला तो माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी उन मनीष सिसोदिया को बेल ले दिए। अभी तो कल उनकी क्यूरेटिव जो पटिशन थी वो भी रिजेक्ट हो गई। तो तमाम तरह के जो पटिशन हैं, बेल पटिशन हैं, इनकी रिजेक्ट हो रही हैं। क्यों रिजेक्ट हो रही है? कुछ नहीं किया तो। संजय सिंह पिछले कई महीनों से जेल में है, उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है। और ऑब्जर्वेशन में कहा है माननीय न्यायालय ने कि कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी ये अक्यूज पाए जा रहे हैं इस घोटाले के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई ईडी नहीं कह रहा है, ये माननीय न्यायालय के ऑब्जर्वेशन हैं। यही माननीय न्यायालय ने मनीष सिसोदिया के टाइम पर 300 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र किया है। तो अरविंद केजरीवाल और उनके जो तमाम लोग हैं जब ये बात करते हैं कि हमारे साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक की जो फाइंडिंग्स हैं या उनकी जो रिजेक्शन है, बेल रिजेक्शन है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अब सामने आकर बहुत सारे सवाल जो हैं जो ईडी पूछ रहा है उसके देने चाहिए। आप भाग क्यों रहे? सवाल तो ये, आप भाग क्यों रहे हो? इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा है। इसी के साथ ही उनके जो नेता हैं मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, उनका भी जिक्र किया है और कहना है कि एक कट्टर ईमानदार वाली पार्टी बताने वाली ये कहा करती थी कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने ऐसे काम किए हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सुनिए किस तरीके से मजिंदर सिंह सिरसा कटाक्ष कर रहे हैं। एक मंत्री जिसने शपथ ली हो वो झूठ बोले कि जमानत मिली है। अब जमानत मिली है तो ईडी के दफ्तर में जाने से डरते क्यों हो? क्यों डर रहे हो अब ईडी के दफ्तर में जाने को? अगर जमानत मिली है, जमानत तुम्हें सम्मनों पे मिली थी जो तुमने गैर कानूनी ना पेश होने का काम किया था और ईडी कोर्ट में गई थी कि ना पेश होने की सजा दी जाए इसको 2 महीने की और 50 रुपए जुर्माना, उसके ऊपर तुम्हें बेल मिली है। और अभी तुम कहते हो हमें तो पता ही नहीं क्या केस है, तुम्हें तो शराब घोटाला भी नहीं पता था। तुम तो अरविंद केजरीवाल जी तो कहते थे सत्येंद्र जैन को या मनीष सिसोदिया को, इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए शराब घोटाला करने के लिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट सामने 378 करोड़ की मनी ट्रेल है उसके लिए इनको भारत घोटाला सॉरी माफ करना इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जो जल बोर्ड का केस है आतिशी जी, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको ज्ञान दे देते हैं, ये वही केस है जो अरविंद केजरीवाल जी चला चला के बुलाया करते थे। मेरे पास इतने कागज पड़े हैं शीला जी के, इतने कागज पड़े हैं, वो कागजों वाला ही केस है मैडम। वही आज तक जो शीला जी के जमाने में ठेकेदार थे उनके पास ही कॉन्ट्रैक्ट चलता आ रहा है। हजारों टैंकर नकली पानी के दिखाए गए जो पानी कभी लेकर गए ही नहीं। लालू जैसे चारा खा गया था अरविंद केजरीवाल दिल्ली का पानी पी गया। लालू जैसे चारा उस पे मजेस्टिक और जो वो टू व्हीलर होते थे स्कूटर और स्कूटरी पे चारा ले गया था, इसी तरह अरविंद केजरीवाल लाखों लीटर पानी साइकिलों के नंबरों पे ले गया, स्कूटरों के नंबरों पे ले गया, मजेस्टिक के नंबरों पे ले गया, मोटरसाइकिल के नंबरों पे ले गया। वो एक मुख्यमंत्री था जो जानवरों का चारा खा गया था, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है जो इंसानों का पानी पी गया। और आतिशी जी कहते हमें पता ही नहीं घोटाला क्या हुआ है। लग जाएगा पता जबकि ईडी के सामने सीबीआई के सामने पेश होना होगा और जब करोड़ों रुपए के तुम्हारे कागज तुम्हारे सामने रखे जाएंगे तो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बड़ों को भी इस घोटाले का पता चल जाएगा।
वहीं आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। बता दें कि आप नेता आतिशी ने कहा है कि चुनाव की घोषणा के 3 घंटे के बाद ही उन्हें समन भेजा गया। सीबीआई और ईडी मोदी जी के गुंडे हो चुके हैं। मोदी जी ने इन गुंडों के एक एक करके विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नया केस खोला है। पार्टी का कहना है कि ईडी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की ओर से कई दफा ये कहा गया है कि ईडी अपनी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है और वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। एक बार सुनिए कि आखिर आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आरोप लगाए गए हैं। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है, इसमें किस चीज की जांच हो रही है, क्या कह रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पर तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है कि अगर इस मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो उस मामले में गिरफ्तार कर लेंगे, दूसरे मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो क्या पता 2-4 दिन में एक तीसरा मामला खुल जाए, तीसरे मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो कोई चौथा मामला खोल देंगे। देखिए, अगर ये प्रक्रिया कानूनी होती और ये प्रक्रिया जांच के लिए होती, ये प्रक्रिया सच्चाई तक पहुंचने के लिए होती, तो क्यों मोदी जी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जो ये केस चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसके कंक्लूजन का वेट क्यों नहीं कर सकती है? जब कोर्ट इस मामले को एग्जामिन कर रहा है तो क्यों उनको और समन पे समन भेजने की जरूरत है? वो खुद कोर्ट गए, हम कोर्ट नहीं गए, हम उनके समन के खिलाफ कोर्ट नहीं गए, ईडी खुद कोर्ट गई और अब वो खुद उस कानूनी प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में गिरफ्तार करना चाहते हैं। बेल होने के लिए बोला है, ये जो जलबोर्ड वाला मामला है, और इसको आई थिंक 21-22 के आसपास है, वो मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगी, पर अगले ही हफ्ते पेश होने के लिए दोनों मामलों में भेजा है और दोनों के समन्स कल शाम को आए हैं। चुनाव की घोषणा के मात्र 3 घंटे बाद ये समन अरविंद केजरीवाल जी को भेजे गए। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजे, अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल उठाया कि ये समन लीगल है कि इलीगल है, ईडी खुद उस मसले को लेके कोर्ट गई, तो जब कोर्ट इस मामले की जांच कर रही है समन्स की लीगैलिटी पर, जब कोर्ट ने खुद अरविंद केजरीवाल जी को कल बेल दे दी है, तो कल एक और समन भेजने की क्या जरूरत थी? क्यों मोदी जी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस केस के कंक्लूजन का वेट क्यों नहीं कर सकती है? वो खुद कोर्ट गए हैं, हम तो नहीं गए कोर्ट, वो खुद कोर्ट गए हैं। तो वो कोर्ट जब तक इस मामले को एग्जामिन नहीं कर लेता, अपने फैसले पर नहीं आ जाता, ईडी क्यों नहीं इंतजार कर सकती? क्यों गए वो कोर्ट? तो ये साफ दिखाता है कि उनका मकसद जांच नहीं है, उनका मकसद न्याय नहीं है, उनका मकसद सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। वरना जब तक कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जब तक कोर्ट खुद इस मामले को एग्जामिन कर रहा है, एक और नोटिस भेजने का क्या लॉजिक? अगर समन भेजना इलीगल है तो नॉन अपियरेंस में कोई गलती नहीं है, वो फिर एक लीगल प्रक्रिया है। अगर समन इलीगल है, यही तो बात पे चर्चा हो रही है, ईडी कह रही है समन लीगल है, हम कह रहे हैं समन इलीगल है, वो कह रहे हैं समन लीगल है इसलिए आपको जाना होगा, हम कह रहे हैं समन इलीगल है इसलिए हमें नहीं जाना होगा, पूरा तो बहस ही इस बात पे है, कोर्ट एग्जामिन ही इस बात को कर रही है, तो फिर क्यों एक और समन भेजना है? कोर्ट को फैसला कर लेने दीजिए कि समन लीगल है कि इलीगल है,
कि समन पे नहीं आना अरविंद केजरीवाल का क्या वो सही है या गलत है, क्या उन्होंने उसमें समन पे ना जाके कुछ गैरकानूनी काम किया है, इसी पे तो कोर्ट फैसला देगी। तो क्यों ईडी इंतजार नहीं कर सकती है? क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है कोर्ट की प्रक्रिया में महीना दो महीना लग जाए, हो सकता है कोर्ट की प्रक्रिया लोकसभा के चुनाव के बाद खत्म हो और उनको मोदी जी के कहने पे अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले गिरफ्तार करना है, वरना और क्या मकसद है? वो क्यों कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते? इस बात का जवाब मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को देना होगा। आपको बता दें, दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने उन्हें केंद्रीय एजेंसी की शिकायत पर नोटिस जारी किया था। शिकायत पर एक सुनवाई के लिए अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंच के सामने पेश हुए थे, लेकिन दूसरी सुनवाई के लिए कोर्ट ने उन्हें अदालत में मौजूद रहने की हिदायत दी थी। मसलन अदालत ने ये मानते हुए सीएम के खिलाफ लगाए गए आरोप जमानती हैं, उन्हें कुल 50,000 रुपए के दो अलग अलग बॉन्ड पर जमानत दे दी। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित केस में फरवरी महीने में ईडी ने सीएम के निजी असिस्टेंट विभव कुमार, आम आदमी पार्टी के ट्रेजर और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी की थी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के सदस्य शलभ कुमार पर भी रेड की गई थी। एजेंसी ने बोर्ड के चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और एक अनिल कुमार को भी गिरफ्तार किया था। यानी कि कुल मिलाकर के जल बोर्ड घोटाला में अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से एजेंसी के द्वारा यह समन जारी किया गया है, तो इस समन में अब अरविंद केजरीवाल से एजेंसी 18 मार्च को पूछताछ कर सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल इस समन को स्वीकार करते हैं या फिर शराब घोटाला मामले में जिस तरीके से एजेंसी के द्वारा 8 बार समन को इग्नोर किया गया और उन्हें मजबूरन नवा समन जारी करना पड़ा है, तो क्या इसी तरीके से वो जल बोर्ड घोटाले के समन को भी इग्नोर करेंगे या फिर इस मामले में वो एजेंसी का सहयोग करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन अगर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इतने पढ़े लिखे हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब कानूनी बात आती है ना तो उनका ज्ञान जीरो है। खुद इनकी पार्टी में वकील हैं, पर लगता है शायद उन्होंने केवल LLB की डिग्री करी है, कोर्ट में कभी प्रैक्टिस नहीं करी। आप देखिए, जो जांच हो रही है वो शराब घोटाले की हो रही है, क्योंकि इतना संगीन आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं, जो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के सरगना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसीलिए उनकी ही जवाबदेही बनती है, उनको ही जांच में जुड़कर बताना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा करप्शन क्यों कर रही है। अब हुआ क्या है, जब भी समन आते हैं PMLA में तो कानूनी तौर पर यह अनिवार्य होता है कि आप उन समन्स का आदर करें। जब जब आप उन समन का निरादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द IPC में आप एक नया अपराध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। ये जो याचिका ईडी ने फाइल करी है कोर्ट में, ये केवल इसके लिए है कि 174 IPC में अपराध बन रहा है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। इस प्रोसीडिंग का कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि ईडी का समन लीगल है या इलीगल है। यहां तो केवल यह देखा जाएगा कि 174 IPC में अरविंद केजरीवाल जी ने जब जब समन्स का निरादर करा है, क्या उनको ये सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने इस केस को स्वयं न्योता दिया है अपने खिलाफ, ये इसलिए बना है क्योंकि उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। तो मेरा आग्रह है अरविंद केजरीवाल जी से कि नवंबर 2023 से ईडी प्रयास कर रही है और आपको कह रही है कि आप जांच में जुड़िए। मैं भी एक वकील हूं, कहना चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी से कि जाइए जांच में जुड़िए, क्योंकि जब जब आप समन का निरादर करेंगे तब तब नया अपराध आप के खिलाफ बनता रहेगा। मैंने कहा ना, आतिशी जी के बयान से, जबकि वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी इंटेलिजेंट मंत्री हैं, लेकिन
उनकी क्या जो कानूनी उनका ज्ञान है वो जीरो है। उनके पार्टी के वकीलों ने उनको बताया नहीं है कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है वो तो इसलिए चल रही है क्योंकि जब जब उन्होंने केजरीवाल जी ने समन का निरादर करा है तब तब एक नया ऑफेंस बनता है आईपीसी 174 में। इसका कोई लेना देना नहीं है कि समन लीगल है कि इलीगल। केजरीवाल जी को अगर ये लगता है कि समन उनके खिलाफ इलीगल है तो उनको जाकर हाईकोर्ट का दस्तक देना चाहिए, उनको वहां पर प्रोसीडिंग फाइल करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, जब अज्ञानता होती है तो लोगों को आप आसानी से ऐसे भ्रमित करने का भी प्रयास करते हैं। देखिए ऐसा है, ये वो पार्टी है जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अगर आपने एक से अलग अलग, जैसे जल बोर्ड में भी आप जानती है इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जाहिर सी बात है कि जांच एजेंसियां उनकी भी जांच करेंगी, तो बिल्कुल अगर अलग घोटाला करोगे तो उसका अलग समन तो आएगा ही। सबसे पहले दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर के ही बीजेपी ने आवाज उठाई थी और उनका कहना था कि इस नई पॉलिसी में कई सारे घोटाले हो रहे हैं और इससे फायदा जो प्राइवेट एजेंसियां हैं उनको पहुंच रही है और दिल्ली के हर एक गली नुक्कड़ में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं जिससे युवाओं पर भी बुरा असर पड़ रहा है। और जब इस मामले की जांच की जाती है तो वाकई में यह खबर सामने आती है कि कैसे दिल्ली में इतने बड़े शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।